हेलो। इन वीडियोस को देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। वेलकम यू ऑल। मैं अभिषेक पारिक, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। बहुत अच्छे से एक और वीडियो के साथ आपके सामने मैं फिर से पेश हूं, यहां पर हाजिर हूं आपके सामने। और बहुत इंटरेस्टिंग ये पोएम चल रही है हमारी। इफ इस पोएम के बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बता दिया है। पोएम के चार पैराग्राफ्स हैं, हर पैराग्राफ में 8 लाइनें हैं और टोटल 32 लाइन्स को हम रीड कर चुके हैं पिछले वीडियोस के अंदर। कुछ इंपॉर्टेंट जो उसका जो एक निष्कर्ष निकलता है उन लाइन्स का, वो मैंने आपको बता दिया था रीड करके। अब एक समरी के रूप में एक बार फिर हम इसको देखेंगे, सो दैट आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो इसे समझने में। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी कुछ भी पढ़ें, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें, हर चीज को क्लियर साथ साथ करते चलें। बहुत बार स्टूडेंट्स शाय हो जाता है या एक ईगो रखता है कि नहीं, मुझे नहीं पूछना है, आई डोंट वॉन्ट टू आस्क, मेरी नाक कट जाएगी पूछने से तो, या सर क्या कहेंगे, अरे सर कुछ भी कहते हो यार, आपको पूछना है, डांट खाओगे ना, एक बार खा लोगे, दो बार खा लोगे, तीन बार खा लोगे, टीचर भी सोचेगा यार इसको समझाना ही पड़ेगा, तभी ये मेरा पीछे छोड़ेगा। इट्स ओके। आजकल थोड़ा सा टीचर्स, हम लोग जो हैं, एक अलग जनरेशन है हमारी, हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा उतना पेशेंस हमारी जनरेशन में नहीं है जितना जो पुराने टीचर्स हुआ करते थे। तो कोई बात नहीं, फिर भी कोई बात नहीं, आप अपने आप को संयमित रखें, अपने आप में पेशेंस रखें और पूछें जब तक समझ में ना आए। होप इट्स क्लियर जो मैं कह रहा हूं आपके सामने। इट्स वेरी शुड बी क्लियर टू यू कि हमें अंत तक पूछते रहना है जब तक हमें हमारे डाउट्स क्लियर ना हो जाएं, जब तक हम ये तय ना कर पाए कि ये कितना हम सही पढ़ रहे हैं और कितना हमने इसमें से गलत पढ़ा है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर वीडियो को, हर चैप्टर को, चाहे वो आपको क्लासरूम में पढ़ा गया हो, हर एक को नोट करते चलें, उन्हें रिवाइज करते चलें साथ साथ, और लास्ट में कुछ भी आप पढ़ें उसकी समरी जरूर लें। तो आज हम अपने इस पॉइंट की एक समरी लेंगे, और अगर समय रहा, कंडीशन है अभी इफ समय रहा, तो क्वेश्चन आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कर पाएंगे। तो इस समरी में हम देखेंगे कि इसमें क्या कहा गया है। थ्रू आउट द पॉइंट द स्पीकर गिव्स द रीडर मल्टीपल सिनेरियोस, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अलॉन्ग विद अ ग्लिम्स into how one should conduct oneself. The poem has an almost mathematical proof about it with its if-then scenario. एक तरह से जैसे मैथमेटिक्स में हम लगाते हैं, यदि ऐसा होगा तो क्या होगा, यदि इतना लाभ प्रतिशत बढ़ा दिया जाए तो इतना कितना उसको पूरा मुनाफा मिलेगा, फायदा मिलेगा, ऐसे इफ और देन जो कंडीशंस हम मैथमेटिक्स में लगाते हैं, वैसी ही कंडीशन कुछ इस पॉइंट में दी गई है, जहां कुछ बातें पॉजिटिव बताई गई हैं, कुछ बातें नेगेटिव बताई गई हैं, और उनके बीच का एक बैलेंस यहां पर रखने के लिए कहा गया है। किपलिंग लीव्स द देन अंटिल द फाइनल टू लाइंस, रिवीलिंग टू द रीडर दैट इफ ही और शी इज एबल टू डू ऑल दैट वॉज जस्ट मेंशनड, ही और शी will not only have the world at his or her fingertips, but he or she will also be a man. तो यहां पर ऐसा कहा गया है कि अंत में अगर आप ये सारे काम जो ऊपर बताए गए कर लेते हैं, तो you will be a world winner. You will win the world. स्ट्रक्चर एंड फॉर्म की हम यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं पहले ही स्टेंजा, चार स्टेंजा हैं यहां पर इक्वल लेंथ के। इक्वल लेंथ का मतलब होता है सभी के अंदर 8 लाइन, और यहां पर
यानी कि इक्वल स्टेंजा, इक्वल लेंथ स्टेंजा वही कहलाते हैं जहां इक्वल नंबर ऑफ लाइंस दी गई होती हैं। ऐसे ही यहां पर राइम स्कीम जो है वो ए बी सी डी तीन की है, और जो फर्स्ट वाला है वो फोर टाइम्स ए बी सी, ये राइम स्कीम है। मीटर की अगर बात करें तो पॉइंट जो है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये क्या होता है, ये टेक्निकली बस आप इतना याद कर लीजिएगा कि आयम्बिक पेंटामीटर वो होता है जहां पर पहला सिलेबल जो होता है वो स्ट्रेस होता है और एक जो अगला सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस होता है। तो ये चीज आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं सीधा सीधा यहां पर समरी की, जहां पर स्टेंजा नंबर वन आपको क्या लिख रखा है यहां पर मैंने, द पॉइंट टेल्स हिज सन दैट ही शुड कीप काम एंड पेशेंट व्हेन अदर्स डू फेल एंड पुट द ब्लेम्स ऑन हिम, ही शुड ट्रस्ट हिमसेल्फ व्हेन ऑल अदर्स डाउट हिम, हाउएवर ही शुड ऑल्सो मेक अ रूम फॉर देयर डाउट्स एंड ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेड देम डाउट हिम। यानी यहां पर कवि कहता है अपने पुत्र से, अपने बेटे से, कि उसे अपना हृदय शांत रखना चाहिए, मन शांत रखना चाहिए, पेशेंट यानी धैर्य बनाकर रखना चाहिए जब फेलियर सामने आए और ब्लेम उसके ऊपर किया जाए कि तुम्हारी वजह से हम फेल हुए हैं या तुम फेल हुए हो। ही शुड ट्रस्ट हिमसेल्फ, उसे अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए जब अन्य लोग उसके ऊपर डाउट करते हो। हाउएवर, फिर भी उसे एक ऐसी गुंजाइश छोड़नी चाहिए कि भाई लोगों ने मुझ पर शक किया तो क्यों किया, ऐसी क्या कमी रह गई कि लोगों को मेरी एबिलिटी के ऊपर शक हुआ। यानी अपना इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करके ये महसूस करना चाहिए कि मैंने ऐसा क्या किया जिससे लोगों के मन में शक पैदा हुआ। फिफ्थ लाइन में, इन द फिफ्थ लाइन द पॉइंट सेज दैट वन शुड वेट पेशेंटली फॉर सक्सेस एंड शुड नेवर बी tired by waiting because success comes to those who work hard and remain patient. अगर patience के बारे में आपको poem पढ़नी है तो आप एक poem का नाम note कर सकते हैं, John Milton की एक poem है On His Blindness। उस poem को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि patience की क्या value होती है। तो यहाँ पर भी वही चीज कही गई है कि कि आपको पेशेंटली समय का इंतजार करना चाहिए और एक अच्छा आपको सक्सेस के लिए अपने अंदर एक धैर्य डेवलप करना चाहिए और लगातार हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, द पॉइंट टेल्स हिज सन दैट अदर पीपल विल ऑफन टेल हिम लाइज। तो पॉइंट जो है अपने बेटे को ये कहता है कि अदर पीपल, जो अन्य लोग हैं, वो अक्सर उसके सामने झूठ बोलेंगे, बल्कि तुमने अगर कहीं सच बोला है तो उसे भी वो झूठ की चाशनी में भिगोकर दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। फिर भी तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, हमेशा ट्रुथफुल रहना है। अदर्स विल हेट हिम, लोग तुमसे नफरत करेंगे, बट ही शुड नेवर हेट देम बैक एंड रादर स्प्रेड लव। लेकिन उसे उनसे नफरत नहीं करनी है, इनफैक्ट घृणा के बदले, नफरत के बदले प्यार ही देना है। इन द लास्ट लाइन द पॉइंट एडवाइजेस हिम टू नाइदर लुक टू गुड नॉर टॉक टू वाइज, बिकॉज इफ ही एक्ट्स अपॉन ऑल द एडवाइजेस द पॉइंट गेव अबव ही विल लुक टू गुड एंड वाइज अमंग द कॉमन पीपल। कि अगर तुम बहुत ज्यादा अपने आप को दिखावा करोगे एक बहुत अच्छा नाइस होने का, तो भी तुम कॉमन पीपल से अलग हो जाओगे। कोशिश यही करो कि एक आम व्यक्तित्व आपका हो, एक ऑरा, एक आभा इतनी ना बने कि लोग आपको देख ही ना पाए, लोग आपको समझ ही ना पाए। क्योंकि जो बहुत बुद्धिमान होता है ना, वो भी एक गूढ़ हो जाता है। गूढ़ का मतलब उसे समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। आप ऐसे व्यक्तित्व बने जिसे लोग समझ सके, जिसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए शायद एक छोटी सी एडवाइस यहां पर दी गई है कि बहुत ज्यादा नाइस बनने की जरूरत नहीं है, वरना देवता ही कहलाओगे और देवताओं को लोग नहीं समझ पाते हैं। तो शायद यही इशारा पॉइंट का है। स्टेंजा टू, द पॉइंट सेज दैट ही शुड
ड्रीम बिग बट नेवर मेक द ड्रीम्स हिज मास्टर. सिमिलरली ही शुड थिंक गुड बट नेवर मेक थॉट्स हिज एम, बिकॉज इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ वन हैज टू वर्क हार्ड. उसका कहने का मतलब यह है कि ऐसा ना हो कि कहीं तुम सपनों में ही खोते रह जाओ, सिर्फ सपने ही तुम्हें कंट्रोल करते जाएं, सपने ही तुम देखते रहो और हार्ड वर्क को भूल जाओ. इसलिए हमें सपने देखने चाहिए, हमें थॉट्स बनाने चाहिए, लेकिन उसके लिए साथ साथ हार्ड वर्क भी करना चाहिए. लैंग्वेज थोड़ी घुमा के यहां पर दी गई है, बट उसका अल्टीमेट अर्थ ये निकलता है कि केवल सपने देखने से, केवल गोल के बारे में सोचने से वो गोल्स अचीव नहीं होते, वो सपने पूरे नहीं होते. इनफैक्ट ये सब देखना बंद करके हमें रियलिटी में आना चाहिए और उसके लिए दिल खोलकर पूरी मेहनत करनी चाहिए. मेयर ड्रीमिंग एंड थिंकिंग विल नेवर लीड वन टू द पाथ ऑफ सक्सेस. केवल ये ड्रीमिंग आपको सक्सेस के पाथ पर नहीं लेकर जाएगी. हेंस वन शुड ड्रीम ऑफ गोल्स एंड थिंक ऑफ अ बेटर फ्यूचर एंड एट द सेम टाइम शुड वर्क हार्ड टू अचीव देम. अब अगली लाइन पर आते हैं. थर्ड लाइन में क्या कहता है वो, द पॉइंट सेज दैट वन शुड मीट विद ट्रायंफ एंड डिजास्टर एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम. तो यहां पर ट्रायंफ और डिजास्टर को वो किया गया है पर्सोनिफिकेशन, यहां पर उनका व्यक्तिकरण किया गया है और उन्हें माना गया है कि ये दोनों छद्म होते हैं. मतलब ना तो हमें बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है ना ही बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत है. इन दोनों ही चीजों को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि खुशी भी आज है, पता नहीं कल क्या हो जाए. दुख भी आज है, पता नहीं कितना बड़ा सुख हमारे भाग्य में लिखा हो. तो ये सोच के आज अपने आप को इतना निराश नहीं बनाना चाहिए कि हम उसे देखने के काबिल ही ना बचें. तो कहीं भी इसने कहा है दोनों जो एक्सट्रीम्स हैं वो बुरे होते हैं, वो खराब होते हैं. हाउ एवर दे आर नॉट लॉन्ग लास्टिंग एंड हैंस वन शुड नॉट टेक देम सीरियसली. दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, ऐसे ही सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख होता है. इन द फिफ्थ लाइन द पॉइंट सेज दैट वन शुड ऑनली स्पीक द ट्रूथ एंड शुड ऑल्सो हैव द करेज टू फेस इट. ये मैं बता चुका हूं आपको. और अल्टीमेटली वो कहता है कितनी भी अगर आपकी लाइफ में, ही शुड ऑल्सो हैव द करेज टू सी द थिंग्स बिल्ड बाय हिम इन ब्रोकन. कुछ भी अगर आपकी लाइफ में टूट गया हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो सपने हो, चाहे वो आपकी मेहनत से कुछ भी आपने किया हो, वापस खड़े होइए, वापस अपने टूल्स को उठाइए और फिर से वही स्थान वापस प्राप्त कीजिए, फिर से वही चीज वापस बनाइए, फिर से वही रिश्ता वापस जोड़िए और फिर आगे बढ़िए. तो जितनी भी आपकी एनर्जी है, जितनी भी आपके अंदर माइंड सेट है, जितना भी आपके दिल में ताकत है, उन सबको इकट्ठा कीजिए और वापस अपने आप को खड़ा करें. यही इस पैराग्राफ में कहा गया है. तो बस इतना ही मैं इस दो पैराग्राफ को ही मैं आज लूंगा, दो स्टैंजास को ही मैं आज लूंगा, क्योंकि आपको छोटी छोटी वीडियोज ही मैं दे रहा हूं जिससे आप इन्हें आराम से सुन सकें, समझ सकें. 15 मिनट का टाइम, 20 मिनट का टाइम इसीलिए दिया गया है ताकि आप छोटा सा ब्रेक लेकर एटलीस्ट दो वीडियोज एक बार में देख सकें. कॉलेज में आपकी 40 मिनट्स की लगभग क्लासेस चलती हैं, बल्कि एक घंटे की भी चलती हैं क्लासेस, लेकिन मिनिमम एक जो समय होता है 10वीं से शुरू होता है हमारी क्लासेस का, वो 40 मिनट की क्लासेस होती हैं. तो मैंने तो एक घंटा भी नहीं माना, मैं तो ये मान के चलता हूं कि आप 40 मिनट भी अगर आप बैठते हैं तो दो मेरे वीडियोस एक छोटे से ब्रेक के साथ आप देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक कंटिन्यूटी बनी रहे. और इनफैक्ट अगर आप एक टॉपिक पूरा ले रहे हैं और एक टॉपिक में अगर 6 वीडियोस हैं तो लगभग लगभग एक घंटा डेढ़ घंटे के अंदर, एक से डेढ़ घंटे के अंदर आप पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं. और साथ साथ एक रजिस्टर हमेशा अपने पास रखें, कुछ भी जो वर्ड मैं आपको बोल रहा हूं अगर आपको नोट करना है, या कोई डाउट आपको मेरा वीडियो सुनकर हो रहा है उस क्वेश्चन को भी वहां पर आप नोट कर लें और बाद में मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. मेरा नंबर आपके पास है, फिर भी मैं आपको एक बार नंबर बोल देता हूं,
9936 1220। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, और ईमेल आईडी है मेरी PAREKALWAR@gmail.com। तो इस पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज जब ही निकलेंगी जब आप इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से इसमें जो लिखा हुआ है उसे पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर जैसे हमेशा का एक धन्यवाद देने का एक फॉर्मेलिटी जो होती है, फॉर्मेलिटी ही कहूंगा क्योंकि अपनों को थैंक यू देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन एक प्रॉपर एंडिंग है एक किसी भी टॉपिक को जब हम लेकर चलते हैं, तो प्रेजेंटेशन कोई भी आप दें तो अंत में थैंक यू होना चाहिए, शुरुआत में वेलकम होना चाहिए। और मेरे हर वीडियो में आपको शुरुआत में वेलकम मिलेगा आपका और अंत में थैंक यू मिलेगा, और बिल्कुल मिलेगा। इस बात का मैं बार बार जोर दूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, अपने आप को फिट रखें, टाइम निकालकर एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, और खुश रहें, चीयरफुल रहें। आप चीयरफुल रहेंगे तो आपके आसपास का वातावरण भी चीयरफुल रहेगा, आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके साथ हैं वो चीयरफुल रहेंगे, परिवार पूरा खुश रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ सकेंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ सकेंगे। अगले वीडियोज में मैं बात करूंगा स्टेंजा 3 और स्टेंजा 4 की, और उस लास्ट वीडियो को हम बनाएंगे इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर्स में क्या दिया गया है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।